दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा साहब सभी का स्वागत करता हूँ मिथिलेश ब्लॉग में। तो अभी हम जानीपुर नगवा तो आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखाएंगे क्या यहाँ पे आखिर यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को छोड़ कर मत जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों अभी आप लोगों को ले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ अभी लगभग एक घंटा से बारिश पड़ रहा है। तो अभी मेरा गाड़ी वहाँ पे है, तो वहाँ पे लगता है कि स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इंजन में पानी चल जाता है, इसलिए। तो आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो चलिए आप लोगों को वीडियो क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ पर गमछा मतलब मेरे पापा ही हैं, सफल नहीं होगा, इसलिए हम लोग सबसे बहुमूल्य हैं, तो हम लोग भी अपने आप को ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और आज का मीटिंग जो होगा कटनी के बारे में, ये है प्रोजेक्ट, एक साल के लिए ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर चलेगा। तो इसी घर में मीटिंग होता है, मतलब यहीं पे रहते हैं। इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, काफी दिनों से लगवा गया है, 15 साल से ऊपर भी हो गया। तो ये संस्था को जानते हैं, सर को भी जानते हैं, तो इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें 3 पार्ट होगा, जिसमें 4 तरीका का सहयोगी हो जाएगा, और दूसरा कार्यक्रम होगा वो सामाजिक होगा। माइक ही बंद हो गया, तो थोड़ी देर में ठीक ठाक हो ही जाएगा। जिस अच्छा से रहते हैं वहाँ रहिए, लेकिन हम लोगों को सामाजिक कुछ काम करना है, नया गांव में कुछ काम करना है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, हम आपके बात को समझने के लिए पूरा चलते हैं। तो सामाजिक काम से हमारा जब बोला गया, तब वहाँ पर आकर के 5 को 7 को 8 को 10 को 10 लोग आदमी वहाँ पर आए। तो सामाजिक काम को हमको इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों को सामाजिक काम ही करना है। तीसरा में क्या है कि सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब क्या है कि हमको अंदर से एक जिज्ञासा चाहिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगन चाहिए। हम एक बार तो देखिए दोस्तों, ये मैक में बोल रहे हैं जॉन जॉन सर हैं, एक जो है कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं विशेष जॉन सर है जानीपुर का। तो वो फिनाइल बनाना और हैंड सैनिटाइजर बनाना और इस प्रकार का जो प्रोडक्ट्स हैं सामान है उसको ग्रुप में बनाकर और ये उत्साहित करते हैं। आने वाले समय में और बताया जाएगा आपको कि इस प्रकार इस प्रोडक्ट को बनाकर आप अपने घर में इस्तेमाल के साथ साथ दूसरे को भी इस्तेमाल करने के लिए बताएंगे, तो उससे 10 रुपये आपको आमदनी होगा। हम लोगों ने 400 में फिनाइल बनाया था, तो कई लोग देख लिया, इस्तेमाल किया, अभी दोबारा फिर बनाना है। तो इस प्रकार जब हम अर्न इनकम को जनरेट करते हैं दुकान करने के द्वारा, इस बिजनेस करने के द्वारा, कुछ ना कुछ जब हम अपने हाथ पैर को जब चलाते हैं, आलसी बनकर या एकदम निकम्मा बनकर उन पेड़ के पास नहीं ताश बैठ के खेलने वाला, ऐसा नहीं। जब हम अपने आप को तैयार करते हैं काम करने के लिए, पुरुष हो या स्त्री हो, तो हम इस प्रकार के दानों को मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, रोजगार करना चाहिए, अपने आप को आलसी नहीं बनाना चाहिए। जब करेंगे तो इस प्रकार का दानव खत्म हो जाएगा। तीसरा दानव है, चौथा दानव, पांचवा दानव, जल्दी से हम कहकर खत्म करेंगे। चौथा दानव है बीमारी। बीमारी जब एक इंसान के अंदर चले आता है, हृदय को तोड़ देता है, बीमारी से मृत्यु आता है, और वे एक दानव के समान काम करता है, दानव के समान काम करता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम अधिकांशतः अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन वस्तु का इस्तेमाल करें, ओवरडोज नहीं, अच्छे भोजन वस्तु का इस्तेमाल करें,
और अपने शरीर का देखभाल करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर सिखा रहा है मतलब महंगाई में कैसे काम करें, कैसे ना ये वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो फ्री में गरीब अनाथ लोगों को बांटते हैं, जिसके पास शिक्षा नहीं है कई लोगों को, जिनके पास नहीं हो तो कमेंट बताइए, हम यहाँ के पता बता देंगे जानेपुर में। अशिक्षा के कारण जो है ये बहुत सारे हमारे भारत देश में जो समाज के बच्चों को हमें शिक्षित करना है और शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें उत्साहित करना है कि वो स्कूल जाए और बराबर उसको कुछ कोशिश कीजिए कि लिखना पढ़ना जान जाए। तो इस प्रकार की बातें जो है यदि हमारे भारत देश में आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के माध्यम से हम उस दानों को खत्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा हमारे पास भी विषय, लेकिन जब सर तकनी चढ़ा दिए तो हम भी सोचते हैं कि आपको सामना ना किया है, हम भी थोड़ा सा ओके। तो पांच प्रकार का क्या दाना है जी? पहला हमें उसको क्या करना चाहिए, हमने पाया है यीशु को, पाया है बड़ा बात है, हमने उसको मार दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? भ्रष्ट कर ले। अगर आप अगुआ बनते हैं, कलीसिया का स्थापना करते हैं, आप ग्रीक कलीसिया चलाते हैं तो आप भ्रष्टता नहीं करना है, आपको क्या करना है भ्रष्टता को समाज से दूर करना है। तीसरा दाना क्या है? गरीबी। गरीब को दूर करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है, उस रोजगार। चौथा बीमारी। बीमारी उत्पन्न होने वाले चीजों को दूर करना, समाज में बहुत सारे लोग शराब पीकर, सिगरेट पीकर, कई प्रकार के नशे के आदतों को शिकार होकर ये बर्बाद हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर कई प्रकार की बीमारी को पकड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को हम जागरूक करके हम अपने समाज से, हम सेवक लोग जो प्रभु के लोग हैं, जो आज्ञा मानते हैं, जो करते हैं, अपना कर्तव्य है इस दानों को मानते हैं। और अशिक्षा, अशिक्षा भी क्या है? दान। तो हम लोगों को शिक्षित करें, आगे बढ़े। तो शिक्षित होने का मतलब खाली ये नहीं कि हम बी एम ए डबल एम ए ट्रिपल एम ए खत्म, खाली वो ही खाली शिक्षा नहीं है, मतलब आदमी बढ़े, इंसान बढ़े और लोगों को अच्छा रास्ता बताइए और शिक्षित सब प्रकार से शिक्षित। तो उसके साथ बताइए तो पांच प्रकार के दानों को हमें क्या करना है? दूर करना है कि मार देना, भगाइएगा तो आ जाएगा, लेकिन मार दीजिएगा तो जिंदा नहीं होगा। तो क्या करना है? बोले पांचों दानों को मार। हम लोग जो है प्रभु के दास के द्वारा बहुत कुछ बातों को सीखेंगे और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इस सबको बहुत धन्यवाद आप सब।